दर्शकों, मैं दिव्या खोपड़े और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। भीम आर्मी, भारत एकता मिशन एवं आजाद समाज पार्टी के संस्थापक पर हुए हमले की निंदा की गई और भारी आक्रोश व्यक्त करते हुए भारत सरकार से एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को विशिष्ट श्रेणी की जेड प्लस सुरक्षा मुहैया कराने की मांग जिला की गई। उत्तर प्रदेश सरकार से हमलावरों को तत्काल गिरफ्तार कर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा। आज जो आप यहाँ पे ज्ञापन देने आए, किस वजह में ज्ञापन देने आए हो? कल जो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर जी रावण के साथ जो कायराना हमला हुआ है, गोली चला करके नीली क्रांति को रोकने का जो दुस्साहस विरोधियों ने किया है, उसके विरोध में पूरे देश में आक्रोश है, बहुजन समाज में रोष व्याप्त है और हम उस हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और बहुजन समाज के नायक के ऊपर इस तरीके का जो हमला हुआ है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए हम आज जो है जिला प्रशासन को महामहिम राष्ट्रपति महोदया और प्रधानमंत्री महोदय, गृहमंत्री महोदय और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो है ज्ञापन के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज के जो नायक हैं, जितने भी नीली क्रांति के अगुवा नेता हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। बड़े भाई चंद्रशेखर जी रावण को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की जाए और उनके हमलावरों को तत्काल गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। कल की जो घटना है यूपी के सहारनपुर जिले की और देवबंद इलाके की, जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर जो कायराना जो हमला हुआ है, जिन हमलावरों ने हमला किया है या किसी ने साजिश करके या किसी भी तरह से जो भाई के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, इस हमले को लेकर पूरा भारत में जिला लेवल पर ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन के मार्फत से इस बात को प्रशासन को अगवा किया जाता है कि अगर 12 घंटे के अंदर जो भी मुलजिम है वो अगर नहीं पकड़ा गए तो पूरा देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, पूरे देश में बहुजन समाज के लोग रोड पर आएंगे और चक्का जाम करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। आज की वर्तमान सरकार है, जो बहुजन नेताओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, बहुजन समाज के जो ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आज की मीडिया और जो लोग हैं जो इसको कवरेज नहीं कर पाते हैं और उस मीडिया सही बात को दिखाती नहीं है, तो आने वाले समय में हम मीडिया के खिलाफ भी रोड पर आंदोलन करेंगे और हो सके तो मीडिया की पत्री भी जलाएंगे। अगर सही समय में मीडिया ने हमारे महापुरुषों को और भाई चंद्रशेखर को टीवी मीडिया अखबार में नहीं बताया तो क्या? प्रतापगढ़ में जो मीडिया कर्मी आपने उनको अवगत कराया या नहीं कराया? पूरा देश को मालूम है कि आज पूरा देश में, प्रतापगढ़ जिले में ही नहीं पूरे देश में जिले लेवल पे 12 बजे ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है, सभी मीडिया को सभी को पता है। उसके बावजूद भी मीडिया टीम नहीं आई है? नहीं, कोई मीडिया टीम नहीं आई है। तो हम मीडिया को आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि आने वाले समय में मीडिया का आमना सामना होगा भीम आर्मी से, सीधा पत्रिकाएं बंद किए जाएंगे क्या, और उनकी प्रतिलिपि जलाई जाएगी।